Krishna. My name is Aditi Gupta. Today, I am going to recite all the 20 shlokas with translation of Srimad Bhagavad Gita, chapter number 15, Purushottam Yoga. Atha Panchadashodhyayah. Text number 1. Shri Bhagavan Uvacha. Urdhvamulam Adashakham. Ashvattham Prahuravyayam. Chandamsi Yasya Parnani. Yastam Veda Savedavet. Translation. इस पूरे चैप्टर में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही बताते हैं। उनने इस श्लोका में बताया है कि कहा जाता है कि एक बैनियन ट्री है जिसकी रूट्स अपवर्ड है और उसकी ब्रांचेस डाउनवर्ड्स है, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ जाती है और उसकी शाखाएं नीचे की तरफ जाती है। उसकी पत्तियां वैदिक स्रोत है और जो भी उस पेड़ को जानता है वह सारे वेदों को जानता है। टेक्स्ट नंबर 2। अधस्य चोर्ध्वम् प्रसतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनि मनुष्यलोके। ट्रांसलेशन। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की तरफ फैली हुई है जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। प्रकृति के तीन गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है और उसकी जड़ें नीचे की तरफ भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। टेक्स्ट नंबर 3। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चाडे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढमूलम असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चत्वा। टेक्स्ट नंबर 4। तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूयः तम एव चात्यम पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। ट्रांसलेशन। द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down the strongly rooted tree with the weapon of detachment. Thereafter, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and surrender to that supreme personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial. Text number 5. Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kama dvandve vimukta sukha dukha samne gacchantya muda padama vyayam tat. Translation. जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। टेक्स्ट नंबर 6। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ट्रांसलेशन। जो उनका परम धाम है उसमें न तो सूर्य न चंद्र न बिजली और न अग्नि से प्रकाशित होता है। जो भी वहां पहुंच जाता है वो वापस से इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। टेक्स्ट नंबर 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानिन्द्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। ट्रांसलेशन। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। टेक्स्ट नंबर 8। शरीरम यत अवाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रमातीश्वरा
ग्रीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत में सारे जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार ले जाते हैं जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। उस प्रकार जीव एक शरीर धारण करता है, उसे त्यागता है और दूसरा शरीर धारण करता है। टेक्स्ट नंबर 9। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। ट्रांसलेशन। इस प्रकार जीव एक स्थूल शरीर प्राप्त करके विशेष प्रकार का कान, आंख, नाक, जीभ तथा स्पर्श इंद्रिया त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों का एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। टेक्स्ट नंबर 10। उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजनाम वगुणान्वितम विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ट्रांसलेशन। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव अपना शरीर कैसे त्याग सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन जीव किस प्रकार के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह ये सब देख सकता है। टेक्स्ट नंबर 11। यतन्तो योगिनाश्चयनं पश्यन्त आत्मन्यवस्ततम यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नयनं पश्यन्त अचेतस। ट्रांसलेशन। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीदान यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। टेक्स्ट नंबर 12। यत् आदित्य गतम तेजो जगत भाषयते किलाम यत् चंद्रमासी यत् जगना तत्ते जो विधि मामकाम। ट्रांसलेशन। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। टेक्स्ट नंबर 13। गामाविश्य च भूतानि धर्म्यामा मोजसा पुष्णामि च औषधि सैवा सोमो भूत्वा रसात्मका। ट्रांसलेशन। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। टेक्स्ट नंबर 14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणपाना समायुक्ता पचामनम चतुर्विधाम। ट्रांसलेशन। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं प्राणवायु यानी कि श्वास में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। कुछ हम पीते हैं, कुछ हम खाते हैं, कुछ हम लिक करते हैं और कुछ हम चूसते हैं। समार ड्रंक, समार चीव्ड, समार लिक्ड अप एंड समार सक्ड। टेक्स्ट नंबर 15। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृते ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। ट्रांसलेशन। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा वेदों का जानने वाला हूँ। टेक्स्ट नंबर 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर चक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। ट्रांसलेशन। दो प्रकार के जीव होते हैं, चुत तथा अचुत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चुत यानि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अचुत कहलाता है। टेक्स्ट नंबर 17। उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदारता यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरा। ट्रांसलेशन। इन दोनों के अतिरिक्त यानी कि चुत और अचुत के अलावा
एक परम पुरुष परमात्मा है जो कि स्वयं अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके हमारा पालन करते हैं। टेक्स्ट नंबर 18। यस्मात् शरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। ट्रांसलेशन। चूंकि मैं च्युत तथा अच्युत दोनों से परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ। टेक्स्ट नंबर 19। यो मामेवम असामूढ़ो ज्ञानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। ट्रांसलेशन। जो कोई भी संशय रहित होकर मुझे परम पुरुष के नाम से जानता है, परम पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। टेक्स्ट नंबर 20। इति गुह्य तमाम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघा एतात् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृताकृत्यश्च भारत। ट्रांसलेशन। हे अनक, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। ओ तत्सतीति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नमः पंचदशोध्यायः। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि आपको सारे वेद पता है और आप बुद्धिमान हो। थैंक यू। हरे कृष्णा।